Good morning, my dear students. I hope you all are enjoying the English classes. Today, before you, I am going to teach you grammar right now, and I'll be teaching you reported speech in grammar. So I welcome you in the English class on this digital platform of learning. So enjoy the class and acquire knowledge. So let's start. So the first lesson, it's written, it's reported speech. As this one you see, and you might have heard of speech, you know na, जो बोली हम लोग बोलते हैं इसी को बोलते हैं स्पीच. जो हमारे मुख से जो भी भाषा निकलता है, जो भी बोली निकलता है, इसको बोला जाता है स्पीच. तो स्पीच वाले शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है. स्पीच मीन्स जो भी वक्ता बोलता है उसको बोलते हैं स्पीच, जो उस बोली को. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट, वील टॉक अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नैरेशन. स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड नैरेशन. ओके, सो हियर यू सी द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नैरेशन. ओके, स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड नैरेशन. Okay, there are basically two ways in which a speaker convey the intended message idea to the listener. दो तरीका होता है जिसमें स्पीकर अपने आइडिया को प्रस्तुत करता है, हाँ, बोलने का, किसी कुछ कहने का. दो प्रकार से वो प्रस्तुत करता है. कोई भी स्पीकर जो रहता है, whoever speaker is there, he conveys his message to the listener in two ways. कोई बोलता है तो उसके साथ सुनने वाला भी रहता है ना. ऐसे नहीं कि कोई पागल का जैसा बकते रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा. कोई श्रोता नहीं रहेगा तो कोई बोलेगा क्यों. ओके, तो बोलने के साथ साथ जो बोलेगा उसके सामने सुनने वाला भी रहना चाहिए. ठीक है, सो देयर शुड बी अ लिसनर एज वेल एज व्हेन देयर इज अ स्पीकर देयर शुड बी अ लिसनर. एंड यू ऑल आर द लिसनर्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी अ गुड लिसनर. यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. ओके, सो स्पीकर कैन कन्वे द आइडिया, इंटेंडेड मैसेज और आइडिया टू द लिसनर इन टू वेज. दो तरीका है जिससे कि स्पीकर जो है, बोलने वाला वक्ता जो है, अपना मैसेज को दे सकता है, मैसेज के बारे में बता सकता है. दो तरीका है. ठीक है, रिटर्न या बोलने का जो भी हो. डायरेक्ट स्पीच पहला है, डायरेक्ट स्पीच, इसको डायरेक्ट नैरेशन भी बोलते हैं. ओके, सो व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? The reporting of the words of the speaker without making any changes to them is known as direct speech. Direct speech kya hai? This is the act of reporting the words of the speaker without making any changes. बिना कोई बदलाव किए हुए जो वक्ता बोलता है, कोई बात को बोलता है, उसको हम लोग बोलते हैं direct speech. Okay? जो भी स्पीकर का वर्ड्स होता है उसमें अगर कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच. ओके, डायरेक्ट स्पीच इज शोन इनसाइड डबल कोटेशन मार्क. डबल कोटेशन स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को ऐसा दिखाया जाता है. ठीक है, डबल कोटेशन मार्क्स में दिखाया जाता है डायरेक्ट स्पीच को. इसको स्पीच मार्क्स भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीच मार्क्स. ओके, this is also called inverted commas.
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास। तो डायरेक्ट स्पीच को किसमें दर्शाया जाता है? स्पीच मार्क्स में, ठीक है, कोटेशन मार्क्स में, इन्वर्टेड कॉमास में। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का। मैं एग्जाम्पल पे साथ ही साथ कराना चाहता हूँ जिससे कि ये क्लियर हो। माई मदर टोल्ड मी यू हैव टू वर्क हार्डर इन स्कूल। तो डायरेक्ट स्पीच में ये दिखाया गया एग्जाम्पल में, हम लोग बाद में इनडायरेक्ट पे आएंगे, पहले डायरेक्ट स्पीच के बारे में आप लोग जान लो। क्लियर? मेरी माँ ने मुझसे कहा यू हैव टू वर्क हार्डर इन स्कूल, तुम्हें स्कूल में खूब मेहनत करना पड़ेगा। मेरी माँ ने मुझसे कहा तुम्हें खूब मेहनत करना पड़ेगा स्कूल में। तो डायरेक्टली यू सी द स्पीच इज गिवन इन स्पीच मार्क्स। द स्पीच इज गिवन इन स्पीच मार्क्स। ओके, स्पीच मार्क्स में इस स्पीच को दर्शाया गया है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच। सो व्हाट वी सी इन डायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर स्पोकन। यू मस्ट रिमेंबर, इट मे नॉट बी रिटन ओवर हियर, बट यू सी फर्स्ट केस इज दैट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिटन और स्पोकन। ओके, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर स्पोकन। ओके, देर इज नो चेंजेज आर मेड सो फार द रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कंसर्न। कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज रिटन इन स्पीच मार्क्स। द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिटन इन स्पीच मार्क्स, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ओके, खास एकदम पूरी तरह से एकदम क्लियर है, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर स्पोकन। इन केस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर स्पोकन, ठीक है। इसी को बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? ये एग्जाम्पल सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नाउ कम टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स इनडायरेक्ट नरेशन ऑल्सो। इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स इनडायरेक्ट नरेशन। द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर बाई मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू देम इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है, कुछ बदलाव करना पड़ता है सेंटेंसेस में, तब जाकर इनडायरेक्ट स्पीच होता है। सो इनडायरेक्ट स्पीच इज द वे ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बाय मेकिंग सम चेंजेस, यूजफुल चेंजेस टू द वर्ड्स इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंसेस। उसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। And in indirect speech, actual words of the speaker are not spoken. Okay? And no inverted commas, no speech marks, no quotation marks are used. Okay? Speech. While narrating something, changes are made in the original words of the person. इन इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कोई भी चीज़ को दर्शाते हैं, नैरेट करते हैं, वी आर स्पीकिंग अबाउट समथिंग, चेंजेस आर मेड इन द ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द पर्सन। ओरिजिनल जो वर्ड्स होता है स्पोकन, उसमें बदलाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेंसेस एंड प्रोनाउंस आर चेंज रिपोर्टिंग वर्ड। सो इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग द वर्ड्स in the first case is made by changing
making necessary changes. Okay, actual words of the speaker are not spoken. Okay, and original, there some changes are made in the original words of the person. Okay, changes are made. Tenses and pronouns are changed according to the reported verb. These are conditions for indirect speech. Okay, clear? See an example, it will be clear. My mother told me that I have to work harder in school. This is an example of indirect speech. So either my mother told me, ये वैसे ही रहा, इसमें that लग गया. That connector के रूप में यूज कर रहे हैं हम लोग. That is used as connector. That I have, you will be changed to I, you have changed to I have to work harder in school. So there is changes in pronoun, okay? Changes in pronoun, and there is change in tense, okay? That I have to work harder in school, okay? Is it clear? In sentence one, we can notice that this is the speaker's direct narration. पहला सेंटेंस जो है यहाँ तुम देख पा रहे हो, पहला सेंटेंस है स्पीकर का डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच है पहला सेंटेंस है. ओके, एज इट इज शोन इन डबल कोटेशन मार्क्स, डबल स्पीच मार्क्स में दिखाया गया है. देखो मैं इसको फिर से इरेज करके दिखाता हूँ. देखो यहाँ डबल स्पीच मार्क्स में दिखाया गया है, ये हुआ एक, ये हुआ, ठीक है. बट इन सेंटेंस टू टेंस एंड प्रोनाउंस आर चेंज्ड एंड कोटेशन मार्क्स आर रिमूव्ड. ओके, सेंटेंस टू में क्या देखते हैं, टेंस इज चेंज्ड, प्रोनाउंस इज चेंज्ड, प्रोनाउंस आर चेंज्ड एंड कोटेशन मार्क्स आर रिमूव. कोटेशन मार्क्स को हटा दिया गया है. इनडायरेक्ट स्पीच में पहले मैं बताया हूँ कोई कोटेशन मार्क्स नहीं लगेगा, कोई स्पीच मार्क्स नहीं लगेगा. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. द फर्स्ट वेरी पार्ट, द भर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो फर्स्ट भर पार्ट है जो सेंटेंस का, डैट इज He said, she said, he says, they said, etc. These are called reporting verb. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, reporting verb. Okay? So, you see here how some examples are given. और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है. इसको हम लोग कौन सा वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिपोर्टेड स्पीच. ओके, तो कंफ्यूज मत होना, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच से कंफ्यूज नहीं होना है. यू हैव टू लर्न अबाउट narration slowly and by paying more attention. Okay, unless and until you listen to me carefully, you cannot understand. So my dear students, pay attention. So you see, first I'll complete this, then I'll move there. The first verb of her part of the sentence, that is he said, she said, he says, she says, they said, etc. Before the statement, quotation marks of a person in the sentence is called the reporting verb. A statement से पहले जो quotation marks से पहले जो आ जाता है उसको बोलते हैं reporting verb. The reporting clause contains the reporting verb. Reporting clause होता है उसी में reporting verb होता है. In many cases said or told and usually comes first. तो कभी कभी मैनी केसेस सेड और टोल्ड, हाँ, ये खास करके लिखा जाता है, ठीक है. तो यहाँ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग चेंजेस केयरफुली, ध्यान पूर्वक इस चेंजेस कैसे हुआ है देखेंगे आप लोग. ही सेड आई वर्क इन ए फैक्ट्री, ही सेड दैट ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री. सी हियर,
दैट क्या है कनेक्टर, तो यहाँ हम लोग कनेक्टर का यूज किए हैं. सो दैट ही सेड दैट ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री. ओके दे सेड, सेकंड वाला देखो. तो ये हो गया, ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया. ओके दे सेड वी आर गोइंग टू द सिनेमा, ये डायरेक्ट स्पीच है. ठीक है, यह हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है. ओके रिपोर्टेड स्पीच इज इन स्पीच मार्क्स, तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे. दे सेड दैट दे वेर गोइंग टू द सिनेमा, सो यर आर हैज बीन चेंज टू वेर, वी इज चेंज टू दे, तो देर इज चेंज इन प्रोनाउन, देर इज चेंज इन टेंसेस, देर इज चेंज इन टेंसेस एज वेल देर इज चेंज इन प्रोनाउंस. ओके दे सेड दैट वी हैव बीन चेंज टू दे, हियर आई हैज बीन चेंज टू ही. ओके सो वी विल बी चेंज टू दे. दे सेड दैट दे वेर गोइंग टू द सिनेमा. सो इज इट क्लियर, सो दिस इज डायरेक्ट स्पीच, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच. ओके नाउ द नेक्स्ट वन यू सी एग्जाम्पल, सी सेड आई एम प्लेइंग, उसने कहा, क्या कहा, मैं खेल रही हूँ, मैं खेल रही हूँ. सी सेड आई एम प्लेइंग, दिस इज इन डायरेक्ट स्पीच, दिस इज इन डायरेक्ट स्पीच. वाई, देर इज ए रिपोर्टिंग वर्ब एंड द स्पीच इज गिवन इन कोटेशन मार्क्स. यू सी हियर हाउ टू चेंज इट इन टू इनडायरेक्ट स्पीच. She said that she was playing. She said that she was playing. या said के बाद that लग गया. She said का she said लिखा गया है. That connector लगा है. I changed to she. M is changed to was. She said that she was playing. So there is change in verb. Change in tense. Change in pronouns. And there also has come a connector that. Okay. Now you see the next example. He said to me, "You have been a great help to me." He said to me. यहाँ पहले खाली said said है ना? He said, they said, she said है. अब यहाँ said to me. He said to me. उसने मुझसे कहा. क्या कहा? You have been a great help to me. You have been, मुझसे कह रहा है ना वो, तो you will be changed to why, and said to will be changed to told. जहां said to वाली बात आए उसके बाद object रहे, देखो ये subject है, यहाँ object है. subject कौन है, he क्या है, subject है. me क्या है, object है. उसने मुझसे कहा तो मैं हो गया object, और कहने वाला क्या हो गया, सब्जेक्ट. इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, समझने के लिए. हाँ, तो जहां ऑब्जेक्ट वाली बात आए वहां सेट टू रहेगा, वो टोल्ड में बदल जाएगा, सेट टू टोल्ड में बदल जाएगा. और मी का मी ही रहेगा, टोल्ड मी दैट विल कम ओवर देयर, दैट कनेक्टर आ जाएगा. एंड यू विल बी चेंज टू आई, मुझे कहा है ना, तो मुझे कहा है तो आई विल कम देयर. ही टोल्ड मी दैट I had been, you have and have is changed to had, been the been ही हो जाता है, you will be changed to I had been a great help to him, फिर me will be changed to him, me is changed to him, so certain pronouns are changed. said to me नहीं लिख सकते हो, in that case में you cannot write said to me. दिस इज ए रूल मेड बाई ग्रामर स्पेशलिस्ट. लिखने के लिए लिख देते हैं बट उसका करेक्ट चीज होता है ही टोल्ड. एक्सेप्शनल केस में कहीं हो सकता होगा लेकिन वो भी नहीं दिया गया है. सेड टू मी विल बी चेंज टू टोल्ड. ओके एनी अदर क्वेश्चंस? यस सर,
you have said that, and then you also studied that, change in tenses. Yes, but the first example of this, because I am not saying here, change in pronouns. Here is change in pronoun. I change to he. Here verb, you see, this is B1. B1 is changed to B5. Okay? There is no change in verb. You have to consider where there is change in verb. Verbs are relative tenses. You have to consider it that there is a change in tense. वो खाता है, वो खा रहा है, मैं फर्क है कि नहीं है, वो खाता है तो वहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एस लगा हुआ है तो इसको तुमको मानना होगा देयर इज चेंज इन वर्ब ऑल्सो. ओके, वी वन नहीं है या वी फाइव है तो देयर इज चेंज इन टेंस, यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग. He told me that I had been a great help to him. तो उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कि मैं I had been a great help to him, उसके लिए. तो यह देखो, इसमें सेंस को देखो, सेंस को देख कर चेंज करना है. You have to understand the first direct speech. उसको समझोगे उसके बाद चेंज करोगे. I'll tell you about the rules. Everything I will tell you about the rules and regulations. Okay? Okay, that will make it clear. But you know very well that practice makes a man perfect. So it's the practice which you need to do in grammar. Okay, as you go on practicing, the senses you will get, it won't allow you to do any mistake. Okay, if you understand the sense of grammar, sense of doing any solving any what you call exercises. Okay, now see the next one. Ashish said to me, said is again, this is reporting verb. Ashish said to me, Ashish ne mujhse kaha, I shall go to the market today. Aaj main market jaunga. Okay, I work in a factory. Haan. यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेट टोल्ड में नहीं बदला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है. He said to whom? He said, उसने कहा. ठीक है, किससे का ऑब्जेक्ट नहीं है, जहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा वहीं पे चेंज होगा, पहले बता दिया हूँ. ओके, सिट डाउन. मी आई शैल गो टू द मार्केट टूडे. आशीष मुझसे कहा, आज मैं मार्केट जाऊंगा. Ashish told me that he would go to the market that day. So here is said is changed to that as a connector has come here. I is changed to he. Shall will be changed to not should but would. Shall and will be changed to would. This is a rule. Okay. Today will be changed to that day. Okay. Today will be changed to that day. So this sort of changes takes place, and you have to remember about the changes also. I will just give you a detailed description about how the changes are made. Okay. So Ashish told me that he would go to the market that day. This is indirect speech, and this is direct speech, upper one. Ashish said to me, I shall go to the market today. So my dear students, as the time doesn't permit me right now, okay. So that's all for today, my dear students. I will be taking more classes. Okay? Thank you.